हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं भी खेत साइड में घूमने आया हूँ, तो अभी पानी तो गिर ही रहा है। शुरू में तो पानी गिर नहीं रहा था, तो रोपा ऐसे ही लग गया था, तो ऐसे ही थोड़ा सा देखने के लिए आया था। और इधर का व्यू देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये सब है जो लगा हुआ है, और उधर पीछे आप लोग व्यूज़ देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बाकी काम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या है ना कि घास निकल आता है। पानी है चलो ठीक है, पानी नहीं रहने से तो पूरा घास निकल आता है। तो रोपा लगने के बाद कितना अच्छा लगता है आप लोग देख सकते हैं, गांव का नज़ारा। तो वैसे अभी देख सकते हैं, अभी ये भाई मछली दिखा यार, बढ़िया धर बढ़िया धर, दिखा क्या का मछली है? कोतरी तो है, कोतरी है। ये खेत में मछली मिला है जो कि केतु मछली है। और क्या का है यार, है बता बता, गिना है और क्या है? डड़वा। राती खेले रहे, तो गांव में रहने से यही फायदा होता है ना यार, मिलेगा मस्त खाओ। तो गाइस देखो, यहाँ एक बच्चा चढ़ गया पेड़ में अमरूद खाने के लिए। आज इनका छुट्टी है, आंगनबाड़ी भी नहीं गए हैं। तो गाइस ये क्या है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी बढ़ जा रही है वाला धान। और देखो ये सब घास निकल आया है, ये घास निकल आया है, तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है धान को। चलिए कोई बात नहीं, इसमें दवाई भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया है। और बाकी इधर हल्दी लगा हुआ है और इधर बकरी है। गांव में आने से क्या है कि गांव का माहौल ही कुछ अलग रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। देखो मैं देखें तो बोला लादू लेके सुना। बोलो बोलो क्या बोल रही थी? चलो बता इसको क्या करेगी? कुछ नहीं, ऐसे हाथ वाथ कुछ नहीं, कुछ तैयारी नहीं चल रहा है। किस चीज़ का? हैं? किस चीज़ का? तू बता। ये शर्मा रही है, भी कुछ बता नहीं रही है। चलो बता क्या करेगी? मेरे गाड़ी पोछ निकल दे देना। इतना अच्छा था, गाड़ी पोछ तो क्या पोछूंगा? ऐसे हाँ हाँ पोछ सकते हैं। हाँ, और अगले महीने कल काम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हो दोस्तों? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस अभी ये तो सो गई है, इसका भी कोई हाव हाव नहीं है। तो चलिए आज के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं।